सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यक्रम लेकर फिर हम आपके सामने हाजिर हैं कानून की बात। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं तो हम आपको यह रिपीट करते हैं, हर एपिसोड में रिपीट करते हैं, किस प्राधिकार से आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं। पहला तो इसका मोटो यह है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहे, सिर्फ इस कारण से कि वो संसाधनहीन है, उसके पास पहुँच नहीं है, वह शरीर से सक्षम नहीं है, इस वजह से कि उसके पास पैसा नहीं है। इसके लिए भी तरह तरह के उपाय लगाए गए हैं। तो हर बार मैं इसीलिए इसको रिपीट करता हूं कि आपके दिमाग में बार बार यह चीज़ जाए, आप लोगों को बताएं कि देश की सारी महिलाएं SC, ST, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और जिनकी आमदनी 3 लाख रुपये से कम है, वो सारे लोग इसके हकदार हैं कि वो निःशुल्क कानूनी सहायता पा सकें। दूसरा उसके साथ साथ यह भी है कि अगर किसी कारण से आप आ सकने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार या पंचायत तक नहीं पहुंच सकते हैं, फिजिकल कंडीशन, शारीरिक स्थिति आपकी ऐसी नहीं है, तो आपके यहाँ जो पोस्टमैन जाते हैं, उस पोस्टमैन के पास जो मोबाइल रहता है, उनसे रिक्वेस्ट करके 4 लाइन की चिट्ठी झालसा या डालसा को लिख सकते हैं, नालसा को लिख सकते हैं कि हमारे साथ यह दबंगई, यह बदमाशी, इस तरह की समस्या है, इसमें आप हमको मदद करिए। और आपके चिट्ठी भेजने के 15 दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि उस चिट्ठी पर क्या और कैसे एक्शन हो रहा है, वो बात आप तक पहुंच जाएगी। इतनी छोटी सी बात इतने कम समय में मैंने कह दी, लेकिन है ये बहुत बड़ी बात और हर व्यक्ति के लिए कानून ने न्याय की व्यवस्था कर रखी है। हर व्यक्ति के गरिमा के साथ जीने के लिए संविधान ने व्यवस्था कर रखी है, इसीलिए आर्टिकल 21 है जिसमें कि वो कहता है कि हर व्यक्ति गरिमा के साथ जीने के लिए अधिकार रखता है। तो ये गरिमा के साथ जीना जो है वह समाज के निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का भी है, लेकिन हमारा विकास और समाज का विकास जिस ढंग से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, पूंजी की तरफ बढ़ रहा है, उस ढंग से जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया, जिस माँ बाप ने हमको चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने हमको स्कूल कॉलेज भेजा, जिस माँ बाप ने भूखे रह कर के हम को एक जगह पहुँचाया, हम आज के दिन उसी पूंजी के लिए, उसी पूंजी के नाम पर अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को अलग कर देते हैं। हमको कहीं से नहीं लगता, एहसास भी नहीं होता है कि इससे बड़ी गलती कुछ हो ही नहीं सकती है। और हमारे यहाँ चूँकि साक्षरता दर कम है, और साक्षरता दर को अगर मान भी लिया जाए कि थोड़ा बढ़ा है सरकार के प्रयासों से, तो लोगों तक सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं और स्कीम्स की जानकारी नहीं है, है भी तो उसको समझते नहीं हैं और गुनते नहीं हैं। कल हमको भी बुजुर्ग होना है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा यह दावा नहीं कर सकता है कि वह बुजुर्ग नहीं होगा। और प्रेमचंद की कहानी अगर कफन हम ये प्रेमचंद की कहानी हम याद करें, उस कहानी में जिस तरह से माँ बाप को लोग चीट करते हैं, तो अपने माँ बाप को भी वही आधा कंबल फाड़ के देता है कि तुम भी इसी आधे कंबल पर सो और बाहर जाके सो, जैसे तुम अपने बाप माँ बाप के साथ करते थे। तो क्या हम कभी ये अपेक्षा करेंगे? आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स, उनके राइट्स क्या हैं, उनके लिए स्कीम्स क्या हैं। कानून की बात में हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में
श्री मनीष कुमार मिश्रा हैं जो सब जज हैं झालसा में। स्वागत है आपका। नमस्कार। यह वरिष्ठ नागरिक की सीमा कहाँ से शुरू होती है, कब से वो वरिष्ठ होते हैं और उनके राइट्स क्या हैं? जैसा कि पार्लियामेंट के द्वारा एक 2007 में एक एक्ट पारित किया गया, वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट, उसमें सीनियर सिटीजन उनको परिभाषित किया गया जो 60 वर्ष या इससे अधिक एज के हैं वो सीनियर सिटीजन में कैटेगरी में आते हैं, और पेरेंट्स तो कोई भी हो सकते हैं, जिनके बच्चे हैं वो उसके पेरेंट्स माने जाएंगे। तो सीनियर सिटीजन की परिधि में वैसे व्यक्ति जो 60 वर्ष या उससे अधिक हैं वो उसमें आएंगे। और पेरेंट्स वो होंगे जो माँ बाप हैं, जो माँ बाप हैं और किसी कारण से वो अक्षम हो गए हैं, वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ख्याल रखने की जिम्मेदारी बच्चे पर है। वैसे मतलब माता पिता जो अक्षम हैं, जिनके पास खुद का कोई रिसोर्स नहीं है कि अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें, वैसे माँ बाप के बच्चों की स्टैचुटरी वैधानिक प्रावधान किया गया है कि वह उनके जिम्मेदारी रहेगी कि उनको मेंटेन करें, उनको शेल्टर दें, फूडिंग का, क्लोथिंग का और मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करें। नहीं, आमतौर पर यह मान्यता होती है कि सरकारी नौकरियों में, निजी नौकरियों में 58 साल, सरकारी नौकरियों में 60 साल, कहीं बढ़ करके 65 साल, कहीं 67 साल हुआ है, रिटायर तो होना है जी। लेकिन उससे कई गुना की संख्या में वैसे लोग हैं जो जब तक शरीर चलता है तब तक वो हर मास अपना गला करके कुछ न कुछ अर्न करके ले आते हैं। एक समय ऐसा आता है जब शरीर काम करना नहीं बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, लेकिन उस काम करने के बंद करने के पहले अपने बच्चे को किसी जगह पहुंचा चुके होते हैं जी। अब वही बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो वह एक्ट उनको भी प्रोटेक्ट करता है क्या? वो सारे वैसे मतलब पेरेंट्स को प्रोटेक्ट या सीनियर सिटीजन्स करता है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके बच्चे हैं वो अगर सक्षम हैं या वो उस माता पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, अगर सक्षम नहीं है प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, फिर भी उनका स्टैचुटरी ये ड्यूटी बन जाता है कि वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करेंगे और उनको अपने साथ रखेंगे, और अपने साथ अगर नहीं रख सकते हैं उनको एक कंफर्टेबल शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, वह उनकी स्टैचुटरी जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं वो तो वह एक दंडनीय अपराध के रूप में उसमें प्रावधानित किया गया है, जिसमें उनको 3 महीने का दंड दिया जा सकता है या 5,000 रुपये का फाइन का प्रावधान किया गया है। तो ये अभी तक 2007 के पहले ऐसा कोई स्टैचुटरी प्रोविजन मतलब वैसा कोई विधान या एक्ट नहीं था जहाँ पे बच्चों की ड्यूटी को परिभाषित किया गया हो। उससे पहले जो भी था एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, तो नॉर्मली हम लोग लेते थे कि आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। फिर क्या रहता था कि जैसे बच्चे पेरेंट्स अगर उनको अबैंडन कर दिया जाता था तो वो फिर क्या रहता था, स्टेट, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है तो स्टेट की ड्यूटी हो जाती थी कि उनको शेल्टर होम प्रोवाइड करें, ओल्ड एज होम जो होते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों को लेके कोई वैसा ड्यूटी को कहीं भी विधान या एक्ट के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया था कि जिसको आप इन्फोर्स करा सकें। अगर बच्चे नहीं रख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को अबैंडन कर दिया, तो उस स्थिति में कानूनतः आप उसको क्या करेंगे, उसके लेके कोई प्रावधान नहीं था भारत में। उसी को लेके 2007 में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें वेलफेयर पेरेंट्स को या सीनियर सिटीजन का वेलफेयर और उनको मेंटेनेंस को लेके या ड्यूटी इम्पोज की गई बच्चों पे, बच्चों के साथ साथ इसको और थोड़ा एक्सपैंड किया गया कि हो सकता है कोई पेरेंट्स हैं जो चाइल्डलेस हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं और उनकी प्रॉपर्टी है, तो उनकी प्रॉपर्टी अगर कोई नियरेस्ट कोई रिलेटिव वगैरह जो इनहेरिट करेगा या जिसको वो ट्रांसफ़र होगी, वह उनका उत्तरदायित्व हो जाएगा कि उन पेरेंट्स का या उन सीनियर सिटीजन्स का, पेरेंट्स का नहीं, उन सीनियर सिटीजन्स का वह देखभाल करेंगे। और अगर हो सकता है कि पेरेंट्स चाइल्डलेस हैं और उनके पास कोई प्रॉपर्टी या वैसा कुछ भी नहीं है, तो उनका देखभाल करने के लिए फिर स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है कि वो ओल्ड एज होम में उनको आवास प्रोवाइड करें, फूडिंग, शेल्टर, बाकी सारी चीज़ों के व्यवस्था को वो करें, मेंटेन करें। नहीं, कुछ चीज़ें जो है जिसमें कि अब जैसे कि रांची में कई इस तरह की कॉलोनीज है पूरी की पूरी, जिस कॉलोनीज में माँ बाप ने हर तरह के कर्म को कर्म करके अपने बच्चे को बहुत बड़ा बना दिया जी, और बच्चा दुनिया के दूसरे देशों में जाके झंडा फहरा रहा है, और यहाँ माँ बाप टांग टूट गया तो किसी के भरोसे है कि कोई पड़ोसी है जो हमको उठा करके ले जाएगा, और वो वीडियो पर बात करके अपना काम चला लेता है। माँ बाप पेंशनेबल हैं, पेंशन मिलता है उनको, पेंशन से काम, लेकिन पेंशन से काम चलता नहीं है,
अगर माँ बाप उठ सकने की स्थिति में नहीं तो फ़ोन कौन करेगा, फ़ोन कैसे करेगा, उनको मेडिकल में अटेंड कौन करेगा? नहीं, यह सारी व्यवस्था जो है, यह सारी व्यवस्था उनको समझ में नहीं आती है, इसलिए कि एक एज होता है जिस एज में लगता है कि हम तो बूढ़े होने वाले नहीं हैं, हम तो जवान हैं, जवान बने रहेंगे और इसी में हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, और ज़िंदगी किसने देखी है, कब किसकी ज़िंदगी कित। लेकिन भारत में कई तरह के कार्यक्रम चलने के चलते आयु में बढ़ोतरी हुई है, मृत्यु दर जो है उसका एज बढ़ा है पहले की तुलना में, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए बहुत सारे जगह पर रिटायरमेंट का एज भी उस हिसाब से बढ़ाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि अपने यहाँ टैलेंट की कमी है, चूँकि सक्षम है, अनुभव है इनके पास, तो ये बेहतर काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसलिए और एक्सपेंड किया जाता है इसको। लेकिन अभी भी लगभग एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो शारीरिक श्रम पर निर्भर करता है जी, और कंप्लीट अक्षम होने के बाद भी अगर कुछ नहीं करता है तो गाय को खाना दे ही देता है, देख रेख करता है और कुछ नहीं तो बच्चों पर निगाह तो रहती है, नाती पोता पर, क्यों कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन उसके प्रति जो रवैया होता है वह रवैया बहुत अपमानजनक होता है, तो वैसे लोग अगर पहले तो बर्दाश्त करते हैं, कोई अपने बच्चे के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना चाहता है, लेकिन वो गवर्नमेंट से, झालसा से, ढालसा से, विधिक सेवा प्राधिकार से मदद चाहें तो उसके लिए क्या रास्ते हैं? वैसे व्यक्ति अगर उनको रहता है बच्चे अबैंडन कर दिए हैं, बच्चे देख रेख नहीं कर रहे हैं, उनको अबैंडन ही रखे हुए हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से एक प्रताड़ित, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको सही से खाना नहीं मिल रहा है, शेल्टर सही से नहीं मिल रहा, तो वैसे व्यक्ति को लेके एक्ट के मुताबिक सारे जितने भी सब डिविजन्स हैं स्टेट के या जिला में, वहाँ पे एक ट्राइब्यूनल बनाने की व्यवस्था की, तो वहाँ पे हर एक सब डिवीज़न में एक ट्राइब्यूनल होगा और उसका एक एपिलेट ट्राइब्यूनल होगा, वो होगा एक हर जिला में एक ट्राइब्यूनल, एपिलेट ट्राइब्यूनल होगा, तो उसको वो अप्रोच कर सकते हैं। उसको अप्रोच अब कैसे कर सकते हैं, उसको वो स्वयं जाके कर सकते हैं अप्रोच, या कोई एनजीओ या कोई सहायता अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है उसके माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं, या वो हमारे जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज का जो मैकेनिज्म है, जो वर्कफोर्स है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। पीएलवी अगर कोई आता है तो उसको अप्रोच कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, हर जिला में न्यायालय में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक ऑफिस है, वहाँ पे जाके वो मिल सकते हैं। ईमेल, फ़ोन या पत्राचार के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी से, या लीगल एड क्लिनिक्स हैं बहुत जगह, वहाँ पे जाके जा सकते हैं, या छालसा में भी ईमेल, फ़ोन या टेलीफोनिकली वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे इसको नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमको एक उचित आवास प्रोवाइड किया जाए, या हमको जो इंटाइटलमेंट हमारा है कम से कम मेंटेनेंस का, वेलफेयर का, उसको प्रोवाइड किया जाए। तो उसको आने पे हम एक दो चीज़ करें, मतलब कर सकते हैं, या कोई भी संस्था कर सकती है, कि पहला क्या है कि उनके जो बेनिफिट्स हैं या स्कीम्स हैं उनको हम लिंक करें, जैसे पेंशन हो गया, पेंशन से उनको अगर नहीं मिल रहा तो उसे लिंक करें। दूसरा, क्योंकि बच्चों का उत्तरदायित्व है तो उसको भी इन्फोर्स कराना उतना ही ज़रूरी है, तो उसके लिए जो सक्षम ट्राइब्यूनल्स हैं वहाँ पे जाके उनका आवेदन को पहुँचा के वहाँ से उनको रिलीफ दिला सकते हैं। तो ट्राइब्यूनल्स में क्या होता है कि ट्राइब्यूनल में जब भी कोई मैटर, वैसा आवेदन आता है, तो वो लोग दूसरे पक्ष को, मतलब दूसरा पक्ष मतलब वो उसके चिल्ड्रेन होंगे या सीनियर सिटीजन अगर है और उसके कोई रिलेटिव है, तो उनको नोटिस होगा। नोटिस के बाद में ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा कि उनको कितना मेंटेनेंस मंथली मिलना चाहिए, और डिसाइड करने के बाद उसको ऑर्डर पारित कर देगा। अब वो ऑर्डर का वैल्यू वही होता है कि एज गुड एज जो हम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, वहीं उसका वैल्यू ऑर्डर का होता है, वो सेम वे में उसको इन्फोर्स आप करा सकते हैं। नहीं, हमारा एक सवाल उससे जुड़ा हुआ था कि वो पेंशनेबल है, हाँ, पेंशन पाते हैं, सम्मानजनक पेंशन है, लेकिन वो फिजिकली फिट नहीं है, तो वैसी स्थिति में भी देखभाल की जिम्मेदारी बच्चों की बनती, हाँ, है, इसलिए कि उनके पेंशन से, पेंशन लेने के पहले उन्होंने सारा खर्च कर दिया बाल बच्चों पर, अब पेंशन मिल रहा है लेकिन पेंशन लेके भी अपना खाना ढंग से नहीं बना सकते हैं, बनवा नहीं सकते हैं, माँ भी बुजुर्ग हो गई हैं, पिता भी बुजुर्ग हो गए हैं, और बच्चे कहीं बाहर भी नौकरी कर रहे हैं, वैसी स्थिति में उनके एक बेहतर अरेंजमेंट की व्यवस्था कैसे हो? दूसरे की जो ओल्ड एज होम है, जिसको एक सीनियर सिटीजन होम आजकल कहा जा रहा है, कुछ निजी संस्थाएं चला रही हैं, कुछ गवर्नमेंट की संस्थाएं चला रही हैं, उनके साथ उनका कनेक्शन कैसे बने कि वहां जाकर के भी वो मदद ले सकें, पेबल नॉन पेबल, अगर पे करने की स्थिति में हो तो पे करेंगे, जैसे कि मैं एक दो जगह गया हुआ हूँ तो वो सक्षम लोग हैं, कोई जापान में है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई कहीं है,
तो वहाँ से वो लोग पैसा भेजते रहते हैं और यहाँ ये लोग उस पैसे से अपना ज़िंदगी चल जाती है। एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, उस समूह में दुख सुख अपना गप सप करके ज़िंदगी चली जाती है। लेकिन यहाँ तो गप करने वाला नहीं है। बच्ची स्कूल चली गई, पोता स्कूल चला गया, पोती स्कूल चली गई, बहू भी चली गई अपना नौकरी करने के लिए या कोई और काम कर रही है, अकेलापन उनका कैसे वो अकेलापन जो है उसको कैसे गुजारे। पहले एक था कि हर जगह कहीं ना कहीं एक समूह जुड़ता था, कोरोना के बाद यह बीमारी जो है बहुत गंभीर हो गई है, अकेलेपन। इसको लेके मतलब एक दो व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था है कि अगर वो फाइनेंशियली सक्षम है और अदरवाइज लोनलीनेस है, कोई और बात करने वाला नहीं है या एक कोई वैसा कोजेंट इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे वो रह सके, वैसी स्थिति में बहुत से प्राइवेट या एनजीओज वगैरह एक ओल्ड एज होम शेल्टर होम चलाते हैं जो पेमेंट बेसिस पे रहता है, जिसमें रहता है कि पर मंथ आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा और आप यहाँ पे आके रह सकते हैं और जैसे बाकी लोग रह रहे हैं। दूसरी ये व्यवस्थाएँ हैं। दूसरी व्यवस्था ये हो सकती, ये है सरकार की कि बहुत से एनजीओज खुद, अगर वो खुद मतलब आत्मनिर्भर हैं तो स्वयं चला रहे हैं या फंडेड बाई गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की खुद की ओल्ड एज होम्स जो हैं वहाँ पे अगर आप फाइनेंशियली अक्षम हैं और अदरवाइज भी आपको कोई देख रेख नहीं कर रहा है तो वहाँ पे भी आप जाके शेल्टर ले सकते हैं। अब वो ओपन है, ओपन फॉर ऑल है, वहाँ पे वो डिनाई नहीं करेंगे, बस एक उसके लिए भी अगर वैसे कोई लोग हैं तो वो झालसा झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSAs में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे माध्यम से हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें, पता नहीं ये एक्ट में है या नहीं है, दो चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, कन्वर्जन हो सकता है। एक तो जो अनाथालय हैं, चिल्ड्रेन होम जिसको कह सकते हैं, वो हैं और बुज़ुर्गों का है, कि दोनों को साथ अगर अटैच किया जाए तो हमको लगता है कि दोनों के काम चल सकते हैं, बच्चों के देख रेख, बच्चों के ग्रोथ के लिए और बच्चों के साथ इनका समय कटने के लिए, स्कूल भेजने से लेके उनको कहें कि इतना सक्षम तो होते ही हैं कि उनको संस्कार सिखा सकें, थोड़ा बहुत अंग्रेजी हिंदी सिखा सकें। इसमें मतलब हम कन्वर्जन एक हो सकता है, संस्थाएं मिलकर के कन्वर्जन, क्योंकि स्टैट्यूटरी, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो जाता है। लेकिन हम जो कानून पर बात करना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं कि आम मान्यता ये है कि बेटा ही जिम्मेवार होता है, तो बेटा ही जिम्मेवार होता है या कानून इसके इतर भी कहता है कि कौन जिम्मेवार होगा उस बुजुर्ग अभिभावकों को देखने रखने देख रेख करने की। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों का ही है। अगर बच्चे मतलब कि देखिए बेटा और बेटी में हम फर्क कर रहे हैं यहाँ पर, बेटा अगर नहीं है बेटी की शादी कर दी है, बेटा अमेरिका में रहता है बेटी यहाँ तो रहती है, दोनों लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस यस यस। वहाँ पे जैसे जो चिल्ड्रन को डिफाइन किया गया वो ये नहीं बोला गया कि मेल चाइल्ड होना चाहिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो 2005 के बाद में बेटी को भी उतना ही अधिकार है पिता की प्रॉपर्टी या माता की प्रॉपर्टी में जितना बेटे को है। तो जब अधिकार की आप बात कर रहे हैं तो करेस्पॉन्डेंस आप ड्यूटी की क्यों बात नहीं करेंगे? जब आप क्लेम कर सकते हैं तो आपका मतलब इक्वली आपका ड्यूटी भी बनता है कि आप अपने, अगर बेटा या भाई आपका सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहा, तो इक्वली वो आपकी फिर ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने पेरेंट्स का देखभाल करिए। तो यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बेटा एज गुड एज बेटी भी उतनी ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है अपने पेरेंट्स की देखभाल करने को लेके। नहीं, अपने यहाँ एक सिस्टम है जिस सिस्टम में है कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, तो ये मजबूरी जो है माँ बेटा तो करा लेता है, बेटी भी करा लेती है, शादी में ये चाहिए, शादी में वो चाहिए, बेटा को पढ़ने के लिए चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए वो करा लिया। लेकिन अब वो निकल लिया, मान लीजिए कि बेटा निकल गया अमेरिका चला गया और बेटी यहाँ रह गई, बेटी अमेरिका चली गई, लड़का यहाँ रह गया, लड़का कहेगा संपत्ति में तुम्हारे बराबर का अधिकार है, तुम भी करो, तो वो कैसे एडजस्टमेंट कैसे होगा? नहीं, तो इक्वली शेयर पे हो सकता है। जित मान लिया 5,000 रुपये मेंटेनेंस अमाउंट आया उसका और दोनों लोग इक्वली इंटाइटल्ड हैं उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, तो इक्वल वे में उसको शेयर हो सकते हैं कि मतलब 2500 आप दीजिएगा, 2500 ये आप दीजिएगा, क्योंकि आप इमिडिएटली प्रेजेंट हैं तो देखभाल कम से कम आप करिएगा। उसको लेके ट्राइब्यूनल कम से कम एक ऑर्डर पारित कर सकता है कि जितने लोग उसके शेयर होल्डर्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में जो अमाउंट मेंटेनेंस अमाउंट बनता होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में उसको पेरेंट्स को या सीनियर सिटीजन को वो देंगे। और रेस्ट देखभाल की बात आती है तो इमिडिएटली जो वहाँ प्रेजेंट होगा वो उसका उत्तरदायित्व होगा कि वो अपनी प्रेजेंट में कम से कम उसकी देख रेख कर सके, विजिटेशन राइट रखे कम से कम, जाके एक बार देखे फूडिंग हो रहा है कि नहीं, क्लोथिंग हो रहा है कि नहीं। मेडिकल असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि 60 के बाद तो रेगुलरली कहीं ना कहीं एक मेडिकल असिस्टेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसको लेके भी कि आप कम से कम उसको फॉलोअप करिए, उसको लेके जाइए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट ही सोल एक
सपोर्ट नहीं है, उसके बाद एक इमोशनल सपोर्ट भी रहता है कि कम से कम कुछ नहीं करिए तो पीरियडिकली जाके मिल तो लीजिए, क्योंकि पेरेंट्स कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। आप अगर सीनियर सिटीजन मतलब सीनियर ओल्ड एज होम में भी जाएंगे तो देखेंगे पेरेंट्स से पूछिए कि आप क्यों नहीं बच्चों के अगेंस्ट न्यायालय या ट्राइब्यूनल में गए, तो बोले नहीं बच्चे तो मतलब हमको छोड़ दिए तो ठीक है क्या करें। नहीं, बच्चे जब तारीफ का पुल बांधना शुरू करते हैं ना, हाँ। कि ऐसे हम उसको बड़ा किए थे, ऐसे बड़ा किया, इसे जापान चला गया है, इस पोस्ट पर है और इतना पैसा पाता है, वही सुन करके आप गौरवान्वित होकर चले जाइएगा, वो अपना दुख नहीं सुनाएगा कभी नहीं। मतलब उनका ग्रीवियंस अगर उस भले सुना दें, लेकिन वो अपने बच्चों के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। और ये मतलब भी अब एग्नी है सोसाइटी की, बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि पेरेंट्स मतलब इस सिचुएशन के बाद में भी पेरेंट्स अभी भी उनको ही पसंद करते हैं। थोड़ा एक चीज़ और थोड़ा लिख से हट करके ये भी पूछना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान, हाँ, और ग्राम पंचायत, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि इस तरह के लोग अगर हैं तो वहाँ इस तरह के लोग, या वार्ड पार्षद, नगर निगम नगर पालिका जहाँ है वहाँ वार्ड पार्षद की ये जिम्मेवारी हो कि वहाँ इस तरह के लोग हैं तो भाया PLV ही सही, या PLV भाया उनके इस तरह के लोगों को डिटेक्ट करें और डिटेक्ट करके लगातार मॉनिटर करें कैसे चीज़ों को। हाँ, ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट वो लोग रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा उनसे जुड़ा हुआ कनेक्टेड होता है, कि कम से कम वैसे लोगों की पहचान करके PLV या अदर डिपार्टमेंट्स के अगर कोई ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, कोई PLV है, PLV अगर उस समय नहीं उनको मिलते हैं, कोई भी मिलता है, तो उनको कम से कम वो डिटेल बता सके। अगर वो उतना कर देते हैं, रेस्ट कम से कम ये लोग सारा कर लेगा, क्योंकि हर अभी का क्या है कि होलिस्टिकली सारा डिपार्टमेंट्स इंटरकनेक्टेड है। PLV है तो PLV क्या रहेगा, सोशल वर्क डिपार्टमेंट से भी कनेक्टेड है, हॉस्पिटल से भी, क्योंकि हमारा हर जगह जैसे हॉस्पिटल है वहाँ पे भी क्लिनिक है, तो अगर मेडिकल असिस्टेंस का ज़रूरत है तो वहाँ से आप टाई अप कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है तो वहाँ से ओल्ड एज होम का अगर उसको ज़रूरत है, पेंशन की ज़रूरत है, या और लिंकेज करना है स्कीम से, उसमें वो लोग हेल्प कर सकते हैं। तो वो कम से कम फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ पता हो पाना नहीं हो पाना ये बड़ा मुश्किल हो पाता है, कि जब तक वो एक्सपोज नहीं होंगे तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि वो पेरेंट्स अबैंडेंड हैं या उनको मेडिकल असिस्टेंस का ज़रूरत है, शेल्टर का ज़रूरत है, फूडिंग का ज़रूरत है। तो वहाँ पे कम से कम, या वार्ड पार्षद अगर शहरों में थोड़ा अर्बन एरिया में जाइए तो वार्ड पार्षद लोग ये लोग, क्योंकि उनके पास सारे घर का कहीं ना कहीं उनके पास विवरण ही रहता है, तो उनको ये पता है कि कौन से पेरेंट्स हैं जो अभी चाइल्डलेस हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं, अकेले रह रहे हैं, तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नहीं, ये कन्वर्जन का काम हमको लगता है एक्सपेरिमेंटल जो है विधिक सेवा प्राधिकार करा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली करा सकती है। इस तरह की चीज़ें पार्षद को ले जाके कहीं पर गांव में, कभी मुखिया को ले जाए, कभी सरपंच को लेकर के, ये थोड़ा सा लिख से हट कर चीज़ें हैं। और जो बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं सीखने के लिए, उन बच्चों को सिखा भी सकते हैं। जिन स्कूलों में मास्टरों का रोना होता है, उन स्कूलों में लोअर क्लास के बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। नहीं, पढ़ा सकते हैं, खाना बनवाने में सहयोग कर सकते हैं। दूसरा मतलब, हाँ, एक और चीज़ थोड़ा ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे, कि सीनियर सिटीजन में आपको बहुत सा ऐसा क्लास या कैटेगरीज मिलेगा जो बहुत लर्नेड अपने टाइम में रहे, मतलब उनका प्रोफेशन, एजुकेशन प्रोफेशन रहा या कुछ ना कुछ सर्विस रहा, तो उनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहता है, तो कम से कम उसको तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर उनको थोड़ा स्ट्रीमलाइन या उनको कनेक्ट कर सके सोसाइटी से फिर से, तो वहाँ पे वो बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि ऑनरेबल हमारे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारे हैं ऑनरेबल, उनके डायरेक्शन के परसेंट हम लोग अभी जितने भी सीनियर ओल्ड एज होम्स हैं वहाँ पे हम लोग मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, कि कम से कम उन लोगों का पीरियडिकली अभी चेकअप हो जाए। दूसरा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ओल्ड एज होम्स हैं वहाँ पे एक अटल क्लिनिक जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको वहाँ पे हम स्थापित कर सकें, कि उनका कम से कम पीरियडिकली ट्रीटमेंट हो सके और उनका एक मेडिकल असेसमेंट होता रहे, जो एक बहुत इमीडिएट उनका शेल्टर फूडिंग के बाद जो थर्ड एक सबसे इमीडिएट उनका रिक्वायरमेंट होता है वो मेडिकल रिक्वायरमेंट है, तो उसको कम से कम फुलफिल कर सके। एक आध दो चार को जोड़ के एक दो एम्बुलेंस होना चाहिए हमको लगता है, कि एम्बुलेंस हो तत्काल, अगर जरूरत पड़े तो कहीं नियरेस्ट हॉस्पिटल में उनको ले जाकर दिखाया जा सके, और BP मॉनिटरिंग से लेकर के सारा कुछ जो शायद अटल क्लिनिक में डॉक्टर्स करते हैं, शायद करते हैं, करते हैं वो रहता अपने यहाँ जो दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि अपने यहाँ दिक्कत है कि आप TT से कहिए कि बहुत मच्छर है, तो बोला केयर टेकर से बोलिए तो बोलेगा कि नहीं हमको तो मिलता ही नहीं है, उसको पकड़िए, उसको उसके पास जाइए तो बोले TT बताएगा ना कौन किसके पास है। नहीं तो ये जो है ना घूमने घुमाने का, तो ये घूमने घुमाने के चक्कर से बचने के लिए
इमीडिएट उसको रिलीफ मिले, इसलिए घूमने घुमाने की स्थिति में है नहीं वो। अटल क्लिनिक की मतलब जो परिकल्पना जो है वो इसी चीज़ को लेके है कि कम से कम फर्स्ट लीगल एड जो है वो आपको आपके तुरंत पास में मिल जाए। अगर वहाँ से कुछ लगता है कि रेफरल मैटर है कि मान लिया बीमारी है यहाँ पे जहाँ पे नहीं, ट्रिब्यूनल इस तरह की भूमिका में हमको लगता है कि ट्रिब्यूनल अगर बने तो ट्रिब्यूनल इस तरह की अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। कन्वर्जन करके बहुत सारे क्लब्स हैं अपने यहाँ, रोटरी क्लब है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्लब है, रांची क्लब है, क्रिकेट क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं। इन क्लब्स को अगर टैग कर दें तो हमको लगता है कि वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। उसको कन्वर्जन कम से कम कुछ वॉलंटियर्स आ जाए कि कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ कुछ किसी भी फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में कर सकते हैं। नहीं, आप जाइए तो खुशी जो होती है ना, आप कभी चले जाइए, रेस में मत जाइए, सामान्य आदमी बन करके जाइए, उनसे मिलिए और मिल करके जो उस आदमी को खुशी होती है वो देख के आप ताज्जुब करें, क्योंकि हाँ उनको ये लगता है कम से कम हमको पूछने वाले कोई है, क्योंकि एक मोमेंट वो लगने लगता है कि मतलब हम सोसाइटी से ऑफ कट हो गए, अब हमको मतलब सोसाइटी को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो एक नेग्लेक्टेड वाला जो फीलिंग होता है कम से कम उसको फुलफिल कर लेता है। सोसाइटी को ज़रूरत तो हमेशा है, इसलिए कि राम हमेशा दशरथ के पुत्र ही रहेंगे और सीता जनक पुत्र ही होंगी, इसलिए जनक के बगैर और दशरथ के बगैर न राम है न सीता है। राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको अगर मानते हैं तो हमारी ईमानदारी, हमारी प्रतिबद्धता इसी में है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी हमारे लिए गंवा दी, उनकी देखभाल हम जरूर करें, और नहीं तो कानून तो है ही मदद करने के लिए, और कानून में अगर कहीं आपको मदद नहीं मिलती है तो सीधा उपाय ये है कि हर ज़िले में जहाँ अदालतें हैं वहाँ डालसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ जाएँ, वहाँ तो आपको मदद मिल ही मिलेगी ही मिलेगी। आज के एपिसोड में आज इतना ही, अगली बार मिलते हैं, कुछ और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।